नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन मेहमान का परिचय आपको इसलिए मैं उन्हीं से कराना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ये हक ग्रेट एडिटर या ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का अपने आप लिया है। वो सामान्य पत्रकारों की श्रेणी में थे, उन्होंने जब जिंदगी शुरू की, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो इंडिया के खास जर्नलिस्ट में शामिल हैं, बल्कि एडिटर्स में शामिल हो गए हैं ऐसा मैं कहूंगा। उन्होंने एक ऐसा कमाल का तरीका निकाला जिसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे, पर ऐसे लोग कम होते हैं जो अपने दिमाग से, अपनी समझ से, ये जो पत्रकारिता का एक बड़ा दायरा है, इसमें अपनी एक खास जगह बनाते हैं और सारी दुनिया से तारीफें हासिल करते हैं। शफीकुल हसन साहब हमारे साथ हैं, और शफीकुल साहब आपको आदाब, आपको नमस्कार। और आदाब इस सर। समय हम आपसे जो बातचीत करेंगे उसमें आप ही कुछ ज्यादा बताना है, और सबसे बड़ी चीज जो आपको बतानी है वो ये कि मैं लोगों को आपका परिचय दूं, इससे बेहतर है कि आप अपने को एनालाइज करें एक बार कि शफीकुल हसन साहब हैं क्या, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, और ये शॉर्ट में करें। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग जितना शॉर्ट में लिखते या बोलते हैं जी उतना ही ज्यादा कम्युनिकेट होता है, तो आप जरा अपने को एनालाइज करें और लोगों को बतलाएं कि आपने ये सारे काम जो जहां पे आज आप हैं ये कैसे आपके दिमाग में आए, और आपने ये क्या काम शुरू किया और इसे लोगों ने कैसे अप्रिशिएट किया। शफिकुल साहब, संतोष जी, लाउड इंडिया टीवी पर मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कासगंज, पहले जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट एटा था, उसके कस्बे गई जुनवारे से है। जब मैं 9th में वहाँ पढ़ रहा था तभी मुझे अखबार पढ़ने का शौक हो गया, और 10th में आते आते मैं हिंदी के आगरा से निकलने वाले अमर उजाला और विकासशील भारत में लिखने लगा। लेकिन 11वीं में आते आते घर के हालात ऐसे खराब हो गए, माली हालत बहुत खराब हो गई कि कई वाले साहब के ऊपर कर्जा हो गया बैंकों का, और फीस देनी उनके लिए मुश्किल हो रही थी। हमारे एक रिश्तेदार ने मुझे एक तंज किया, हालांकि वो तंज मेरे काम आया बाद में। उन्होंने कहा, शफीक तुम अखबारों में तो खूब छप रहे हो लेकिन ये हिमालय पहाड़ कैसे उठाओगे? उनकी मुराद हिमालय पहाड़ कर्जे की थी जो हमारे वाले साहब के ऊपर था। मैंने इसको महसूस किया और मुझे लगा एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और ये हिमालय पहाड़ इंशाल्लाह मैं ही उठाऊंगा। मैंने 11वीं की पढ़ाई छोड़ी और 50 रुपये का इंतज़ाम वहाँ से किया। 13 अप्रैल 1986 को मैं दिल्ली आ गया। यहाँ पे मैंने एक पब्लिशिंग हाउस में काम किया। उसके बाद मीम अफजल साहब के अखबार, वीकली अखबार अखबार नो मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैंने सहाफत की, 1 साल मैंने जर्नलिज्म किया, रिपोर्टिंग की, और जल्दी ही, लेकिन 1 साल के बाद ही मुझे लगा कि मेरा अखबार में सिर्फ नाम छपने से, तस्वीर छपने से जो मेरे घर के मसाइल हैं वो हल नहीं होने वाले। इस ख्याल से मैंने एक एड एजेंसी बना ली ताकि मैं अखबार से बहुत दूर ना जाऊं, अखबारों के साथ ही रहूं, जुड़ा रहूं। और मैं जल्दी ही नई दुनिया के एडिटर शाही सिद्दीकी साहब के साथ, उनके अखबार के साथ जुड़ गया और एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग का काम करने लगा। बिजनेस की भागदौड़ में चाहे कितनी रही हो लेकिन सुबह के अखबार, मेरी शुरुआत सुबह के अखबारों से होती थी। अखबारों को जी पढ़ना, अहम अखबारों को और उनकी जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं उनको दोस्तों के साथ मैं शेयर करता रहता था, कभी ट्विटर किस पे, जुबान सोशल के किस मीडिया। किस किस जुबान के अखबार आप ज्यादा पढ़ते थे, या पहले कौन सा मैं अखबार उठाते थे? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों जुबानों के अखबार में पढ़ता था। मेन मेन जो अखबार घर पे आते हैं वो पढ़ता था उस टाइम। उसके बाद अहम खबरें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर करने लगा। व्हाट्सएप के आने के बाद मेरा काम आसान हो गया और मैं ज़्यादा लोगों को खबरें भेजने लगा। इसी
क्योंकि मुझे लगता था लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं, अखबार भी पढ़ने बहुत कम कर दिए हैं। किताबें मैं लाइब्रेरी में देखता था कि दो चार लोग होते थे, कभी लाइब्रेरी खाली होती थी, लेकिन कॉफी शॉप में बहुत सारे लोग होते थे जो गपशप कर रहे होते थे, पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे होते थे और टाइम जाया कर रहे होते थे। उनमें मैं भी शामिल था शायद। तो मुझे लगा लोगों ने अगर किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं तो अखबार पढ़ना ना छोड़े कम से कम, क्योंकि आज के अखबार, मेरे मानना आज के अखबार कल की किताबें हैं। तो इसी ख्याल से मैं ये बिल्कुल शेयर करता हूँ। कम से कम आप सुबह का अखबार पढ़ लीजिए, खास खबरें पढ़ लीजिए, एक दो एडिटोरियल पढ़ लीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं ये करने लगा। उसके बाद मुझे एक वाक्य और मैं आपको बताऊं। उसमें एक कौमी आवाज के चीफ रिपोर्टर नुसरत जहीर साहब होते थे, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। 91 के बाद, 90s में, अर्ली 90s में उन्होंने मुझसे कहा, क्या शफीक भाई, जब से ये इंटरनेट, ये जो टीवी आया है केबल टीवी, तब से हमारा लिखने का मूड ही नहीं होता। उससे पहले तो हमारे हाथ में कागज और कलम होता था, हम कभी भी किसी भी टॉपिक पे लिख देते थे हम। लेकिन ये टीवी में इतना उलझ गए हम, केबल टीवी में, कि हम लिखने का मूड बनाना पड़ता है। अब 91 की बात है या 92 की बात है, अर्ली 90s की बात है। अब आज जब इंटरनेट है, स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, बच्चे बच्चे के हाथ में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोग, जो नई जनरेशन है, वो अखबारों से, किताबों से कितनी दूर जा चुकी होगी। तो मैं ये करने लगा, ये रोज का मेरा मामूल हो गया बिजनेस के साथ साथ। मेरे जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, बहुत एक तूफान सा आया, जो मैं सिर्फ आज आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू में मैंने ये बात शेयर नहीं की। अगस्त 2016 को मेरी वाइफ को थायराइड कैंसर हो गया। तो लगा कि जैसे जिंदगी अब में कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ, और जैसे जिंदगी बिखर रही है दम बदम, और जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर दो इनके अपोलो हॉस्पिटल में दो ऑपरेशन हुए। ऊपर वाले ने जो है, तो रहम था आया, उसने जो है हमें एक नई जिंदगी दी, एक नई मोहलत दी। 8-9 महीने के बाद जब जिंदगी थोड़ी मामूल पे आई, तो मुझे लगा कि अगर मेरे वाइफ को कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी भी बेमाने थी। तो क्यों ना इस जिंदगी को बामाना बनाया जाए और समाज के लिए अब कुछ काम किया जाए। तो मैं यही सोचता रहता था क्या किया जाए। अल्लाह को शायद कुछ मंजूर था। 24 जून 2017 को मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था, उसमें हाफिज जुनैद की लिंचिंग की खबर थी। उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। हालांकि लिंचिंग पहले भी हुई थी, अखलाक की लिंचिंग हुई थी और बहुत सारी लिंचिंग्स हुई थी, लेकिन वो 16 साल के बच्चे की तस्वीर ने और स्टोरी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। शाम तक मैं सोचता रहा कि क्या किया जाए। मैंने वो स्टोरी को भेजा अपने दोस्तों को और शाम तक सोचता रहा उसके बारे में। मुझे लगा कि जो लिंचिंग के जैसे वाकयात हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि समाज में बढ़ती हुई नफरत, और इस बढ़ती हुई बिल्कुल नफरत की वजह है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ की एक बिल्कुल बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो स्टोरीज प्लांट करते हैं, फेक न्यूज बनाते हैं, प्रोपेगेंडा का मटेरियल तैयार करते हैं, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बगैर सोचे समझे, बगैर चेक किए, बगैर वेरीफाई किए, बस आगे बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से ये समाज में नफरत का माहौल पैदा होता है। मुझे लगा मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में पहला थॉट ये आया कि शायद इतनी बड़ी आर्मी है, इतने लाखों लोग हैं, मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, शायद मेरी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा एक पॉजिटिव ख्याल ये आया कि भले ही फेक न्यूज़ की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन एक छोटी दुनिया इसमें मेरी भी है, जो मेरे दोस्तों की दुनिया है, जो मेरे वेल विशर्स की दुनिया है। कम से कम शुरुआत में वहां से कर सकता हूँ। और मैंने जहन बना लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे काम करना चाहिए। मैंने मुझे इस काम के लिए ना किसी ऑफिस की जरूरत थी, ना किसी स्टाफ की जरूरत थी, ना किसी टीम की, ना किसी की सपोर्ट की जरूरत थी। मुझे सिर्फ तीन चीजें चाहिए थी, मैं, मेरे मेरा मोबाइल और मेरे अखबार। वो तीनों चीजें मेरे पास थी और मैंने तय कर लिया मुझे काम करना है। रात भर 2:30 बजे तक मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई और सुबह 5 बजे उठ गया, ऑनलाइन ई पेपर देखे,
उसके बाद जो है जैसे आप घर में अखबार आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एसटी वगैरह, इनकलाब, सहारा, नवभारत टाइम्स, ये सब कुछ देखा मैंने। और वहाँ से मैंने 8 बजे, ठीक 8 बजे मैंने वो पहली जो ब्रॉडकास्ट है वो मैंने की 25 जून को, और वो सिलसिला आगे चलता रहा। और 25 मार्च को 2020 को मैंने 1,000 दिन पूरे किए। हालांकि ये मकसद नहीं था कि 1,000 दिन पूरे करूं, या मैं किसी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा हूं, या किसी पैसे के लिए काम कर रहा हूं, किसी अवार्ड के लिए या किसी रिकॉर्ड के लिए। मकसद था कि समाज में अवेयरनेस आए, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, और फेक न्यूज़ के खिलाफ थोड़ी सी, एक छोटी सी जंग है वो, उसकी शुरुआत हो। वो मैंने किया तो और यहाँ तक। जी, आपने जब इसको शुरू किया तो इस शुरुआत को कुछ लोगों ने, किन्होंने सराहा और किन्होंने इसको कहा कि ये बेकार की एक्सरसाइज, इसको करने का कोई मतलब नहीं। देखिए सर, कोई भी आप इनिशिएटिव लीजिए, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं, कुछ नेगलेक्ट करते हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ। शुरू में मैंने जो भेजा, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनको लगा एक नई चीज़ है, और कई लोगों ने कहा, को लगा कि ये नया नया शौक है इस आदमी को, बहुत जल्दी ये थक जाएगा या रुक जाएगा। लेकिन जब मैं नहीं थका और नहीं रुका, और एक दिन की छुट्टी नहीं, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं थी, छुट्टी के कोई माने नहीं थे, मेरे लिए कोई इतवार नहीं था, कोई छुट्टी नहीं थी, कोई ईद, कोई दिवाली, कोई होली, कुछ भी नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए सुबह का 8 दोस्त था, सुबह का 8 बजे का टाइम था एवरी डे। तो जब लोगों ने को लगा कि ये बहुत, कई लोगों को लगा कि ये आदमी सुबह सुबह हमें इतनी सारी खबरें भेज देता है यार, हम तो पहले ही पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने मुझे इग्नोर भी किया, मुझे ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन उन्हीं लोगों ने बाद में जब इस काम की चर्चा होने लगी और उनको लगा कि मेरी खबरें उनके लिए यूजफुल हैं, ये फालतू की चीज़ें नहीं है जो व्हाट्सएप का मटेरियल आता है, वो सब नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो अखबार में छपती हैं, भले ही वो अखबार पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अखबार पढ़ भी लेते हैं तो मैं जिस तरह से क्लिक करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी, आर्टिकल, या टाइम्स ऑफ इंडिया का, या इनकलाब की, ये सारे, तो मेरा प्रॉपर एंगल होता है, प्रॉपर लाइट होती है और प्रॉपर एंगल होता है। अगर मैं क्लिक करके उनको भेज रहा हूँ तो उनको फॉरवर्ड करने में भी आसानी है। तो फिर उन लोगों ने भी मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया, अनब्लॉक किया, और जो अप्रिशिएशन आया वो, ये किताब है, करीब 400 पेज की किताब है, ये इतना अप्रिशिएशन मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, इतना अप्रिशिएशन मिलेगा मुझे। ये सब ऊपर वाले का कर्म। आपने अखबारों की लिस्ट कैसे बनाई? उर्दू के, हिंदी के, अंग्रेजी के, अखबार तो बहुत हैं मुल्क भर में, आपने उनकी अखबार, लिस्ट कैसे बनाई कि इन्हीं की हम खबरों को लेंगे? मुझे लगा जो मेन अखबार है, जो लीडिंग अखबार है, सारे अखबार तो मैं कर नहीं सकता सर, क्योंकि मैं अकेला पहले दिन से और आखिरी 1,000 दिन तक, आज तक मैं अकेला काम करता हूँ, सिंगल हैंडेडली, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, अकेला करता हूँ। तो मैं 50-100 अखबार तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैंने 20-25 अखबारों की लिस्ट बनाई। सबसे पहले मैं 5 बजे उठ के थोड़ा वॉक करने गया, फ्रेश आ गया, उसके बाद मोबाइल में मैंने ऑनलाइन जो अवेलेबल है पेपर, ई पेपर, जैसे टेलीग्राफ, ट्रिब्यून है, डेक्कन क्रॉनिकल है, या इस तरह के जो बड़े अखबार हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के हों, कैलकाटा का भी होना चाहिए, हैदराबाद का भी होना चाहिए। हाँ, कश्मीर के अखबारों को मैंने टच नहीं किया, वो वजह आप जानते हैं, क्योंकि वो उतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि पूरी स्टोरी को पढूं और फिर मैं पढ़ के भेजूं, पता नहीं क्या वो छाप दें कश्मीर के अखबार, इसलिए मैंने वो टच नहीं किया। इसके अलावा मैंने कोशिश की सारे अखबार हों, चेन्नई का भी हो, कलकत्ता का भी हो, हैदराबाद का भी हो। इसके बाद उसमें से मैं 15-20 स्टोरीज मैं ई पेपर से ले लेता हूँ। उसके बाद जब ये घर में अखबार आते हैं, मेरे घर में हॉकर डालता है, इसमें इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, हिंदू, इस तरह के अखबार हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदी के 2 अखबार, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स, उर्दू के 2 अखबार, जो 2-3 अखबार, लीडिंग अखबार, इनकलाब और सहारा जैसे अखबार, तो मैंने इंग्लिश भी कवर कर लिया और हिंदी भी कर लिया और उर्दू भी कर लिया। तो सबके इंटरेस्ट की मैं खबरें, मैं 50 स्टोरीज में क्लिक करता था, और इनको क्लिक करने में ही मुझे लग जाते थे 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद ब्रॉडकास्ट करने में बहुत टाइम लगता था। 50 स्टोरीज को
फिर मैं रिव्यू करता था, ऐसा ना हो कि जो स्टोरी इंग्लिश में है वही उर्दू में हो, उसका रेलिवेंस ना हो, तो फिर ड्रॉप करता था। जो स्टोरी टेलीग्राफ में है वही स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में हो, तो ऐसा नहीं कि रिपीट हो जाए, रिपीटेशन ना हो, अच्छी स्टोरीज हो, मैंने 4 स्टोरीज में सेलेक्ट करता था। लेकिन लेकिन शफीकुल साहब ये बताइए कि इन अखबारों की जिन स्टोरीज को आप सेलेक्ट करते थे और जो आपने मुहिम शुरू की, अभी आपने बताया कि फेक न्यूज़ के खिलाफ आपके दिमाग में आया कि हम सही खबरें लोगों को दें, ये कैसे बिल्कुल आप तय करते हैं कि वो खबर फेक नहीं है जो आप इन अखबारों से उठा रहे हैं, या आप में ये गट फीलिंग है कि ये अखबार जो लिखेंगे वो फेक नहीं लिखेंगे जो लिस्ट आप बनाते हैं, जी सर, फेक न्यूज को कैसे आप छांटते हैं इन अखबारों में कि वो, ऐसा तो नहीं कि पत्रकार तो एक ही तरह के होते हैं, बिल्कुल सर, यहाँ भी इंटरेस्टेड होते आप हैं, यहाँ भी कमिटेड जर्नलिस्ट होते हैं, तो आपको क्या समझ में आया कि कौन से अखबार हैं जो फेक न्यूज के मामले में ज्यादा सावधान हैं, जी ज्यादा सर, अवेयर हैं बनिस्बत दूसरे अखबारों के? मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार बहुत ज़्यादा सावधान है इसमें फेक न्यूज़ के मामले में, तो मेरी प्रायोरिटी वो होती थी, या टेलीग्राफ या ट्रिब्यून, ऐसे अखबार हैं, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बड़ा अखबार है, उसमें अगर कोई ऐसी स्टोरी है कि साहब 370 को हटाया गया है कश्मीर में, और वहाँ डल लेक पे फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, तो मुझे लगता है वो स्टोरी में दम नहीं है। वो कैसे पॉसिबल है, कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है और 2 फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो उनके साथ फोटो खिंचवा के और अखबार में फ्रंट पेज पे आ रही है वो न्यूज़, तो वो मैं नहीं कहूँगा फेक है, क्या है, मेरे इंटरेस्ट की न्यूज़ नहीं है वो, उसको मैं कवर नहीं करूँगा, चाहे वो उर्दू में हो या ये इंग्लिश। आपका राइट, तो ये आपका एडिटोरियल जो आपकी समझ है उसने काम किया, पर जी मैं सर, फिर सवाल पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जिन 20-25 अखबारों को आपने छाटा कि उनकी खबरें आप भेजेंगे, आपके पास पैमाना क्या है कि इनमें से कोई न्यूज़ फेक नहीं है? आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो प्रशंसक हैं जिनके पास आप भेजते हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको उस फेक न्यूज से बताएं बचाएं, तो मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने एक खबर को तो समझ लिया कि फेक न्यूज है, डल झील का जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल लेकिन इस तरह की खबरें तो कहीं से भी निकल के आ सकती हैं, एक्सप्रेस भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है, आपको क्या कुछ स्मेल आती है कि इसको नहीं हमें देना चाहिए, या आप उसका, आपके पास कोई पैमाना है जिससे आप उसको छानते हैं? ये तो मेरी अपनी गट फीलिंग है, समझ है, मुझे लगता है ये न्यूज़ ठीक है, ऑथेंटिक है, फेक न्यूज़ को दायरे मैं चेक नहीं कर सकता, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे शुरू करता हूँ, मेरा टारगेट होता था 8 बजे होता है कि मुझे ठीक 8 बजे ब्रॉडकास्ट करना है, उसमें 1 सेकंड भी लेट नहीं होना है, मुझे एक एक सेकंड का हिसाब रखना होता है, तो ऐसे में मैं फेक न्यूज़ चेक नहीं कर सकता, मैं पूरी स्टोरी पढ़ भी नहीं सकता, अगर मैं 40-50 स्टोरी पूरी पढ़ूंगा तो मैं 2-4-5 स्टोरीज ही कर पाऊंगा, 40-50 नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी हेडिंग से, सब हेडिंग से, जो हाइलाइट्स है उससे मैं समझ जाता हूँ कि ये न्यूज़ ठीक है, तो मेरी अपनी समझ है, जो भी छोटी मोटी समझ है मेरी अपनी समझ होती है, बाकी मैं जो मेरे बेनिफिशियरीज हैं, मेरे ऑडियंस हैं, उन पर मैं छोड़ देता हूँ कि आप तय करिए कि ये क्या क्या न्यूज़ है, ये फेक है या ऑथेंटिक है, मेरी कोशिश होती है कि फेक न्यूज़ मेरे एंड से ना जाए, बाकी वो तय करते हैं कि एडिटोरियल फेक है या स्टोरी फेक है या नहीं है, ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले जो प्रिंट मीडिया है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि स्टोरी ऑथेंटिक हो, काफ़ी हद तक ख्याल रखते हैं, सारे अखबार रखते हैं, बड़े अखबार तो खास तौर से रखते हैं, तो क्योंकि वो कई कई लेवल से गुजर के जाती है स्टोरी, रिपोर्टर है, सब एडिटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह नहीं कि वो आए एकदम लाइव चला दिया और जो है वो चेक नहीं कर पाए कि फेक है क्या है, और उसमें जैसे एच के द्वार साहब का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था आपका, उन्होंने कहा था वो एक प्रिंट मीडिया में फिर भी एक बैलेंस है, हम दूसरा वर्जन भी लेते हैं, कि ये नहीं कि एक तरफा हमने जो है स्टोरी चला दी, दूसरा वर्जन जब तक कई बार स्टोरी लेट भी हो जाती थी हिंदुस्तान टाइम, उन्होंने बताया कल, लेकिन हम इंतजार करते थे कि दूसरा वर्जन भी मिले,
ताकि वो बैलेंस स्टोरी हो। तो प्रिंट मीडिया फिर भी इसका ख्याल रखता है, और मुझे प्रिंट मीडिया पे ज्यादा भरोसा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले। तो शफीक साहब, आपने ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाई? इंडियंस हैं ज्यादा हैं या बाहर के क्लाइंट्स ज्यादा हैं जिनको आप भेजते हैं उस लिस्ट में? कहाँ के लोग ज्यादा हैं जिनको आप क्लिपिंग्स भेजते हैं या अखबारों को छांट के एक नया मिनी अखबार आप बना के लोगों के पास पेश करते हैं? इसमें बहुत सारी लिस्टें हैं, 10-12 लिस्टें हैं, 3,500 लोग हैं जो इंडिया से भी हैं, इंडिया के दूसरे शहरों में है, हैदराबाद में है, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना, कश्मीर, और उसके कश्मीर की भी अलग लिस्ट मैंने बनाई थी, वहाँ की स्टोरीज भेजता था, लेकिन जब से हालात ठीक नहीं हुए फिर मैं उनको नहीं भेजता हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी सेंसिटिव होती है, कभी मेरे ऊपर कोई इल्जाम आ जाए, इसलिए मैंने वो अब उनको भेजना बंद कर दिया कश्मीर में। तो बाहर के भी लोग हैं, मिडल ईस्ट में है, US है, कनाडा है, दुनिया भर में है, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं, खास तौर से यहाँ से गए वो लोग, या उनके रेफरेंस से हैं, ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, कोई UK में रह रहा है, कोई कनाडा में रह रहा है, किसी के रेफरेंस से आया साहब इसको भी ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट में, तो मैंने उनको ऐड किया हुआ है। इस तरह से पूरा नेटवर्क है इंडिया में भी, बाहर भी। तो कुल मिला के कितना नंबर है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखे हैं जिनको आप भेजते हैं ये सारी खबरें? मेरे सारी दुनिया पास में कुल मिलाकर के कितने लोग हैं? मेरे व्हाट्सएप पे 3,000 से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ज़्यादा को मैं नहीं भेज सकता, उसकी एक लिमिटेशन है, कई बार व्हाट्सएप अलाउ कर देता है 25 स्टोरी एक साथ एक ही बार में, कई बार वो 17 भेजता है, कई बार वो अगली बार दो बार दो भेजेगा, चार भेजेगा, वो सपोर्ट नहीं करता व्हाट्सएप इस तरह से, तो मैं 10-20 हज़ार को भेज भी नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, उसके लिए तो अलग से एक टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग से सिस्टम चाहिए, और मेरा मोबाइल में भी लाखों फाइल क्रिएट हो जाती है, वो उसका एक अलग इशू है। इसके अलावा मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और वैसे शेयर करता हूँ, तो लेकिन व्हाट्सएप का ग्रुप करीब 3,000 लोगों का ग्रुप है, अलग अलग लिस्टें हैं, 10-12 लिस्टें हैं, उनको मैं भेजता हूँ, उसको भेजने में ही मुझे कई घंटे लग जाते हैं, अगर मैं 8 बजे पहली ब्रॉडकास्ट लिस्ट ठीक 8 बजे करता हूँ, उसके बाद फिर मेरा सुबह 5 से लेकर 11-12 बजे तक मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता था, इसके अलावा कि अब ये लिस्ट रह गई, अब मैं बाथरूम नहाने गया, शेप बनाया तो मेरे दिमाग में चल रहा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वो स्टोरी रह गई, नहाने गया तो मेरे दिमाग में चल रहा है वो हिंदुस्तान टाइम्स की या इनकलाब की स्टोरी अभी रह गई, आते ही भेजूंगा, उसको ब्रेक चाहिए होता है व्हाट्सएप को। मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ तो गाड़ी 2-3 जगह गाड़ी रोकता हूँ उस टाइम, खास तौर से जब ये मैं कर रहा था काम, तो वो बीच में 15 मिनट के ब्रेक के बाद मैं 2 बार गाड़ी रोकी, 3 बार गाड़ी रोकी, जब तक 11-12 बजे तक सारी जो मैंने 40 स्टोरीज मैंने की हैं, एक स्टोरी भी रह गई मेरे मोबाइल में बगैर भेजे हुए, ब्रॉडकास्ट हुए, तो मुझे बेचैनी रहती, जब तक सारी स्टोरीज चली नहीं जाएंगी, चाहे भले 12 बज जाए, 12:30 बज जाए, तब तो मुझे चैन आता था कि हाँ अब मैं फ्री हो गया, मेरा आज का काम हो गया। उसके बाद फिर ब्रेकिंग न्यूज, दिन भर फॉलो अप, इम्पॉर्टेंट स्टोरीज, फिर मैं ऑनलाइन स्टोरीज देखता था दोपहर में, शाम रात 11 बजे तक मैं करता रहता हूँ ये स्टोरीज ऑनलाइन। शफीकुल साहब, आपने दो जर्नलिस्ट जो दो संपादकों के नाम लिए और दोनों बड़े संपादक हैं, मीम अफजल साहब का और शाहिद सिद्दीकी साहब का, यस सर, इन लोगों से आपको कैसा एप्रिसिएशन मिला? क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि जो उनके पास काम करते हैं और जब वो निकल के जाते हैं तो उनका काम बहुत ज्यादा पुराने संपादकों को पसंद नहीं आता, वो उसमें मीन में निकालते या तनकीद करते ही रहते हैं, उसको एनालाइज क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मेरा आपको क्या एक्सपीरियंस है इन दोनों संपादकों का, सर उनके साथ काम करते हुए और उन्हें छोड़ के जब आपने इंडिपेंडेंट काम शुरू किया तब? मेरा काम जो वहां से सीखा वो मैं काम नहीं कर रहा कि मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ या कोई खबर लिख रहा हूँ उसमें कोई कमी निकाल रहे हैं साहब वो इतनी अच्छी नहीं है, मेरा काम ये काम थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, जो लोग कहते हैं शायद कोई और नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में या दुनिया में भी शायद कोई और नहीं कर बिल्कुल रहा ये, नहीं, कोई नहीं, ये हिंदुस्तान में तो कोई नहीं कर मेरा, रहा है। आप बाहर भी शायद कोई नहीं कर रहा, आप ही नहीं किया, तो ये काम अलग है। इसका अप्रिशिएशन मुझे मीम अफजल साहब का भी मिला बहुत ज्यादा, हमेशा उन्होंने, बल्कि मेरी पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है
उसमें बोला है कि पिछले 3 साल या जो भी पीरियड रहा हो, 24 जून 2017 से लेके जब इस्लामिक सेंटर में, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मेरा फंक्शन हुआ, आप भी उसमें हिस्सा थे, फेलिसिटेशन हुआ, तो वहाँ पे जो है वो फिल्म हुई, रिलीज हुई फिल्म की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो वहाँ पे उन्होंने, उनका बाइट था कि इस पीरियड में 2.5-3 साल में कोई ऐसा दिन नहीं आया, कोई जो अहम खबर हो जो उन्होंने कवर ना की हो, हमें नहीं लगा कोई भी इम्पोर्टेंट खबर हो इनसे छोटी हो, ये मेरा रिजल्ट आपका। शाहिद सिद्दीकी साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे पर लिखा भी है, इस किताब में भी है उनका पूरा आर्टिकल मेरे ऊपर, और उन्होंने कहा कि शफीक के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मतलब ये नहीं कि आज वो तबीयत ठीक नहीं है, आज उठ नहीं पाए, कल देर से आए थे, फिर आज छुट्टी है, आज ईद है, या आज कुछ और है, आज ट्रेवल कर रहे हैं, आप यूरोप में हैं या मिडिल ईस्ट में हैं, मतलब शक उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, और फ्री सर्विस है, इसके बावजूद कोई एक्सक्यूज नहीं है, मतलब ये उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, दोनों से मुझे अप्रिशिएशन मिला और सभी से अप्रिशिएशन मिला, मुझे कोई एक आदमी नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि साहब ये काम अच्छा नहीं है या ये काम में ये कमी है, किसी ने मुझसे नहीं, ये ऊपर वाले के कारण। आप इसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरीके से करते चले जाएंगे? क्योंकि ये अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है कि ठीक 8 बजे आप सब तैयारी करके और आप इसको शूट कर देते हैं। जी ये सर, 8 बजे का वक्त आपने क्यों तय किया? 8 बजे का, मुझे लगता है कि 8 बजे का टाइम नॉलेज का टाइम होता है, सुबह सुबह उठ के आप अखबार पढ़ने का टाइम होता है, चाय का टाइम होता है, 7 बजे थोड़ा अर्ली हो जाता है और 9 बजे लेट हो जाता है, ऑफिस निकलने का टाइम होता है, तो मैंने 8 बजे का टाइम रखा, और ठीक 8 बजे इसलिए कि 1 सेकंड भी लेट ना हो, ताकि मैं इससे अपने आप को बांध लूँ, क्योंकि अगर एक दिन 1 सेकंड लेट होगा, अगले दिन 2 सेकंड लेट हो सकता है, तीसरे दिन 2 मिनट लेट हो सकता है, फिर वो कैजुअल हो जाएगा, फिर 2 घंटे भी लेट होगा, 2 दिन की छुट्टी भी हो जाएगी, तो मैंने इस तरह से इसको बांधा कि ना छुट्टी करनी है, ना 1 घंटा लेट होना है, ना 1 मिनट लेट होना है, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना है, मतलब ठीक। मैंने तो मेरा टारगेट, आप बताऊं कि मेरा जो टारगेट रहता था, मैं सारी स्टोरीज रेडी कर ली, मैंने 7:30 बजे तक क्रॉप भी कर लिया, रेडी कर ली, 7:40 पे और क्लिक कर लिया, 7:50 से मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती थी 7:50 पे, और 7:50 पे मेरा दूसरा मोबाइल, मैं प्लान बी भी रखता था, प्लान बी है कि मैं 7:50 पे 15-20 स्टोरी दूसरे मोबाइल में मैं ट्रांसफर करता था जो पहली लिस्ट है, कभी ये मोबाइल धोखा दे जाए, हैंग हो जाए, व्हाट्सएप कुछ हो जाए, तो मुझे सिर्फ अगले सेकंड इसको क्लिक करना है, बस ये करना है, ये भी मैं करता था। उसके बाद 7:55 से मेरी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा हो जाती थी, कई बार मैंने कहा कि अगर कभी हैंग हो गया 7:56 पे या 7:57 पे मोबाइल, तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी, इसी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई और इसका दूसरे इश्यूज हो गया, शायद सुबह रोज उठने का स्ट्रेस था 5 बजे और ठीक 8 बजे, तो मुझे कभी कभी लगता है जब मैं एडमिट हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई पूरे 1,000 दिन में, मैंने सिर्फ की कोई छुट्टी नहीं की, 6 दिन का ब्रेक आया, जब 906 दिन पूरे हुए तो मेरी तबीयत, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट चल रहा था 16 दिसंबर पिछले साल, वाइस चांसलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, सर्दी बहुत थी, वहाँ मेरी तबीयत खराब होने लगी, वहाँ से फिर मैं ऑफिस आया, वहाँ से फिर घर बेचैनी हुई, फिर घर आया, तो घर आके बीपी बढ़ता ही चला गया, चेस्ट पेन होने लगा, रात को 11 बजे मुझे एडमिट होना पड़ा अपोलो में, अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू में, तो बाद में वो डॉक्टर ने बोला कि आप जिस कंडीशन में आए थे, अगर इसमें दो चीज़ें होती, या तो हार्ट अटैक होता है या ब्रेन हेमरेज होता है, तो ऐसा काम मत करिए, जुनून ठीक है, पैशन ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ मत खिलवाड़ करिए, ये डॉक्टर ने मुझे बोला, लेकिन मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती थी, मैं बात भूल गया, घर आते ही 6 दिन के बाद मैंने फिर शुरू कर दिया ये काम, सुबह और ठीक 8 बजे, तब मेरे कोई एडिटर दोस्त हैं उर्दू के, उनका आया मैसेज, दिल है कि मानता नहीं, कि उनको लगता है ये इसका दिल है मानता नहीं यार, तो मैं, मुझे कोई चीज रोक नहीं पा रही थी, यूरोप में मेरी तबीयत खराब हुई, जब हमारी शादी की एनिवर्सरी थी, तो वहां से मैंने पहले से ही कई दोस्तों ने कहा कि आप यूरोप जा रहे हो, तो
2 दिन की 2 हफ्ते की छुट्टी कर लो, बहुत थक गए होगे। मैं सोचा अगर मैंने छुट्टी कर ली तो फिर इसको वापसी में आके रिवाइव करना मुश्किल होगा। मैं वहीं से करूंगा, वहां से भी करूंगा, भले ई पेपर करूँ वहां से भी करूंगा और इंडिया के टाइम के हिसाब से करूंगा। तो जो मैंने फ्लाइट अपनी चेंज कराई थॉमस कुक के से के, ताकि मेरा 8 बजे का वो क्लैश ना करे, तो वो मैंने दुबई एयरपोर्ट से किया 8 बजे का टाइम का अपना जो था पहले। उसके बाद लंदन पहुंच गया हम, तो लंदन से फिर टाइम सेट हो गया, लंदन से लेके स्विट्जरलैंड, वहां से लेके रोम तक मैंने रोज किया और ठीक 8 बजे किया इंडिया के टाइम के हिसाब से। वहां पे रोम में मेरी तबीयत खराब हो गई, बैक पेन, क्योंकि मुझे बराबर अगर मैं 50 स्टोरीज क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे 150-200 बार झुकना पड़ता है, मेरी तस्वीर आते है ऐसे क्लिक करके, तो मेरा स्पाइन पे प्रॉब्लम आ गई, स्पाइन L3 L4 में। वहाँ पे डॉक्टरों ने, वहाँ प्रॉब्लम आ गई मेरी, मैं पैर नहीं हिल रहा था, बहुत तकलीफ स्पाइन में। तो कई डॉक्टर थे हमारे ग्रुप में, उन्होंने जल्दी से कुछ दवाई दी, किसी ने वो किया, तो मैं कई घंटे के बाद ठीक हुआ। उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि साहब आप फॉरवर्ड बेंडिंग मत करिए, वरना स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कामयाब भी नहीं होता है। इंडिया आके मैं फिर भूल गया उस चीज़ को, फिर मैं आप उसी तरह से करने लगा। यहाँ एक साहब भी मिल गया दिल्ली में, लगा के आ रहे थे, क्या हुआ साहब, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। कि अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो एकदम झटका लगा कि ऐसा मेरा भी होने हो जाए बाद में। तो उन्होंने कहा आप ये काम मत करिए, आप झुक के रोज जो काम करते हैं उससे आपके स्पाइन प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन उसी टाइम ऐसा था, अगले दिन वही भूल गया मैं, तो मुझे कोई चीज़ रोक नहीं पा रही, कोई भी चीज़, ऐसा पैशन, ऐसा जुनून था, मुझे नहीं पता कौन सी ताकत उससे काम करा रही थी, मुझे कोई चीज़ रोक नहीं पा रही थी। उसी तरह से मैं करता रहा और यहाँ आके फिर मैंने ये टाइम पूरा किया। अभी भी जो कर रहा हूँ मैं, अभी भी अपनी बंद नहीं किया, जब मैं 25 मार्च को 1000 दिन पूरे करने वाला था, 15 दिन पहले मेरे काउंटडाउन शुरू होता है, 1000 दिन लगाता था, अभी 3 दिन बचे 1000 दिन में। तो उन दिनों मेरा तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ज़िंदगी में शायद मेरी तबीयत इतनी कभी ख़राब ना हुई हो। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा दिल की धड़कने, मेरा जो है बैक पेन और मेरा साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी उसी मार्च में, और 25 मार्च को 1000 दिन पूरे हो रहे थे मेरे काम के। मैं बाहर जाता था कोर्ट यार्ड में, तो मैं अखबार नहीं उठा पाता था, मतलब इतना बैक पेन मेरा होता था, अखबार नहीं उठा पाता था, फिर भी मैं आके वो काम करता था। और उस हालत में भी वो चीज़ भी मुझे ख्याल भी आया बंद करो, लेकिन फिर ये आया कि चलो अब तो किनारे तक पहुंच गए, अब 15 दिन बचे हैं, अब 14 दिन बचे हैं, अब थोड़ा सा बचा और हिम्मत कर ले। वो हिम्मत की और वो किसी तरह से वो 1000 दिन पूरे किए। तो इसके लिए मुबारकबाद आपको। लेकिन शफीकुल हसन साहब, मैं आपके काम के अलावा अब एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, और वो चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आप लगातार अखबारों को देख, आपने जो काम शुरू किया वो भी कमाल का काम है कि आप सारे अखबार देखते हैं, 20-25 अखबार रोज, 30 अखबार रोज, और उसमें से आप खबरों को पिक करते हैं, तय करते हैं कि किनको भेजना है किनको नहीं भेजना है। तो आप सब एडिटर भी हैं और एडिटर भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने इस बीच में, आप कोई भी समय तय कर लें, 2016 कर लें, 2014 कर लें, ये जो जर्नलिज्म का जो चेंज हो रहा है, फेस फेस और फेस दोनों, ये आपको क्या लगता है कि इसको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शिफ्ट तो हो रहा है, अब वो जर्नलिज्म नहीं है जो आपने जमीयत अफजल साहब के साथ शुरू किया होगा, अब बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल, टेलीविजन ने बिल्कुल एक तरीके से ओवरलैप कर लिया है प्रिंट को। इसको कैसे एनालाइज करते हैं, आप कैसे देखते हैं एज ए यंग जर्नलिस्ट? चेंज तो सर बहुत आया, और डिपेंड करता है जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग पार्टी है, वो किस तरह से जर्नलिस्ट को या मीडिया को अपने कब्जे में, अपनी जेब में रखती है। तो इस टाइम तो ये है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो गवर्नमेंट की गोद में है, और बाकी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर भी असर है। जर्नलिज्म ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के फेवर में आप करें, गवर्नमेंट की गोद में बैठ जाए। जर्नलिज्म वो है कि एक वेलफेयर स्टेट में, एक डेमोक्रेसी में, अगर पब्लिक के इंटरेस्ट की अगर आप बात करें और सरकार से आप सवाल करें,
सरकार को कटघरे में खड़ा करें वो जर्नलिज्म है, और उन मुद्दों का उठाएं, और सवालों के जो पब्लिक के सवाल हैं, जो असल इश्यूज हैं, उनको आप उठाइए, उनको सवाल करिए। लेकिन यहाँ पे अभी एकदम सिचुएशन अलग है, यहाँ तो सारे का सारा मीडिया जो है वो गोद में बैठा हुआ है, और जो गवर्नमेंट चाहती है वो होता है, छोटे इश्यूज हैं जो नॉन इश्यूज हैं उनको इश्यूज बना दिया गया है, जो असल इश्यूज हैं उनको नॉन इश्यूज बना दिया गया है, ताकि वो असल जो पब्लिक की जो 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 अटेंशन है, वो जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो जाए, और वो रोजी रोटी की बात ना करे, वो रोजगार की बात ना करे, और वो अपना हक ना मांगे। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये जर्नलिस्ट को सोचना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, खास तौर से उनके जर्नलिस्ट को, कई बार उनकी आत्मा भी जागती है, कई इस्तीफा दे देते हैं चैनल से, लेकिन फिर उनकी जगह कोई और आ जाता है जो है, और फिर उसी तरह से चैनल, टीवी चैनल पे उसी तरह की बहस होती है, उसी तरह के इश्यूज होते हैं। प्रिंट मीडिया में फिर भी थोड़ा कम है, उनका जमीर अभी भी थोड़ा जागा हुआ है, लेकिन असर उन पे भी है। लेकिन ये जो है हमारे जर्नल हिस्ट्री में एक काला अध्याय है, रहेगा ये जो जो भी टाइम है 14 से लेके अब तक जो है ना, और हिस्ट्री इन जर्नलिस्ट को, इन साथियों को कभी माफ नहीं करेगी। उर्दू अखबारों को लेकर के आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? दक्षिण के जो उर्दू अखबार हैं, जैसे हम सियासत की बात कर सकते हैं, यस सर, नॉर्थ में हम इनकलाब की बात कर सकते हैं, सहारा तो डूब ही गया एक तरीके से, लेकिन उर्दू अखबारों की सहाफत के ट्रेंड को लेकर के, जो अभी आपने मुझे समझाया, इनको लेकर के आपके ऊपर क्या असर है? मैं इन संपादकों की भी बात ले लेता हूँ, हमारे शाहिद साहब वगैरह को, कि इन सारे लोगों का जर्नलिज्म देख करके आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? आपको लगता है कि ये डेवलपिंग है, लो हो रहा है, कहीं ठिठक गया है, कैसा लगता है आपको पूरी उर्दू जर्नलिज्म को लेकर के? हालात तो बहुत अच्छे नहीं है उर्दू के। हालांकि उर्दू जर्नलिज्म ने, उर्दू मीडिया ने आज़ादी से लेकर अब तक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन इस वक्त हालात नहीं है। तीन तरह के अखबार चल रहे हैं, एक अखबार तो वह है, एक कैटेगरी जो बिजनेस हाउसेज चला रहे हैं, चाहे इनकलाब हो या सहारा हो, वो उनको नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। उनको तो पता है अगर इतना नुकसान भी हो रहा है महीने का, तो उनके कोई और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका कोई और मकसद है, तो उनको चलाना है, नुकसान में भी चलाना है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो, जिनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, वहाँ से उनको कुछ फायदा मिल जाता है, वहाँ से कुछ उनको ऐड या एड जो भी मिल जाती है, तो उस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। तीसरे तरह के वो बहुत बड़ी तादाद में हैं उर्दू मीडिया वाले जर्नलिस्ट, जो बहुत ही खराब कंडीशन में है, बहुत परेशानी में है, वो किस तरह से चला रहे हैं वही जानते हैं। उनको ना सरकार से कोई ऐड मिलती है, ना कोई उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं। साथियों का भी यही हाल है। अभी हाल ही में मैंने एक साहब का बारे में सुना, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो पोस्ट किया, हैदराबाद गए तो 16 साल पहले, इनफैक्ट वो नई दुनिया ही किसी से गए थे छोड़ के, बेहतर मौके की तलाश में हैदराबाद गए थे। 16 साल के बाद वो दिल्ली वापस आ रहे हैं फिर रोजगार की तलाश में। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हालत होगी। दिल्ली में भी वही हालत है, हैदराबाद में भी हालत है, लेकिन उसके लिए और उर्दू के अलावा उर्दू वाले भी जिम्मेदार हैं सर। उर्दू वाले जिम्मेदार हैं, क्योंकि उर्दू वाले अखबार खरीद के नहीं पढ़ना चाहते, ना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब आप खरीदेंगे नहीं तो अखबार की सर्कुलेशन नहीं होगी, और उसको ऐड नहीं होंगे, और वो चलाना मुश्किल होगा। तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिलती रहे, चाहे वीकली हो या डेली हो, खरीद के नहीं पढ़ेंगे। ये दिक्कत है। शफुल साहब, ये अंग्रेजी अखबारों में मैं कुछ नाम लेता हूँ। एक नाम आपने लिया इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा नाम मैं लेता हूँ हिंदू का, और हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार भी हैं हमारे बीच में। इन सारे अखबारों को देखते हो, और ट्रिब्यून वगैरह है जो चंडीगढ़ से निकलता है, इन सारे अखबारों की फहरिस्त को देखते हुए आपको क्या लगता है, सच्चाई के नजदीक इनमें से कुछ हैं, या सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, या वो जो जिम्मेदारी समझते हैं उनके ऊपर है उसी को निभा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा रहे हैं?
डिपेंड करता है स्टोरीज पे, उनकी पॉलिसीज पे, जिनके राइटर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। कोई राइटर है अगर वो हिंदी में लिख रहा है तो जाहिर है वो सच्चाई के करीब है। अच्छा राइटर इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहा है तो वो भी सच्चाई के करीब है। कोई ऐसा रिपोर्टर है जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई स्टोरी प्लांट कर देता है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो या हिंदू हो, तो वो सच्चाई से दूर है। तो सबके साथ ऐसा ही है, सारे तो बिल्कुल पाक साफ नहीं है। उसमें भी ऐसे लोग हैं जो स्टोरी बना देते हैं, प्लांट कर देते हैं, फेक न्यूज उनमें भी आ जाती है। लेकिन ये इन पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पे, द हिंदू पे, ट्रिब्यून पे, इन अखबारों पे भरोसा नहीं करेंगे, टेलीग्राफ पे भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर किस पे करेंगे भरोसा? ये भी तो सवाल है। फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो अखबार पढ़ना आप छोड़ दीजिए। टीवी लोगों ने छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने, अखबार भी पढ़ना छोड़ दीजिए। तो आपको अखबार तो पढ़ना है और आपको खुद तय करना है कि कौन अखबार या किस अखबार की कौन सी स्टोरी सच्चाई के करीब है या सच्चाई से दूर है। अब शफीकुल साहब, मैं फिर आपके ऊपर आता हूं। जी सर, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से लम्हे आए जिसमें आपको लगा कि मुझे ये सब बेवकूफी छोड़ देनी चाहिए, कि सवेरे 4 बजे 5 बजे उठना और 8 बजे फिर ये भेजना, जिसका न कोई फाइनेंशियल फायदा मुझे हो रहा है, सिर्फ मेरा जुनून है जो मुझे करने के लिए पुश कर रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी भी एक तरीके से उसके हाथों में गिरवी होती जा रही है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो या बीपी हो जो डॉक्टर्स ने आपसे कहा, या हार्ट की आने वाली संभावित सिचुएशन हो, पॉसिबल सिचुएशन। आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, निराशा हुई कि इस काम को मैं आखिर कर क्यों रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आपका जो इनर विल है उसने आपको कहा हो नहीं करो, ऐसे मौके आए क्या? ऐसे मौके तो नहीं आए कि कभी मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ हो, क्योंकि मैंने 24 जून 2017 से फ्रॉम डे वन मैंने इस काम को एंजॉय किया। और जब हमारी यूरोप जाना था, एनिवर्सरी थी हमारी 20th शादी की, वहाँ भी मैंने ठाना मुझे काम करना है, किसी भी तरह से करना है। वहाँ से आके दुबई में आके, अलबत्ता पिछले अक्टूबर में जब हम फैमिली के साथ गए और हमारा ब्रदर इन लॉ है वहाँ पे, उसको जब हम वो हमारे सुबह में ये काम करता था उठ के, वहाँ भी मैंने तीसरा अलार्म लगाया था। ये था दो दो मोबाइल में तो मेरे अलार्म लगा हुआ था, तीसरा अलार्म ये लगाया। मैंने कहा उसको, भैयो कहते हैं, भैयो तुम बस एक काम करना, मुझे घूमना फिरना नहीं ना, अच्छा खाना खाना, मुझे कुछ नहीं, ठीक है, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में, और इन केस अगर मैं किसी वजह से ना उठ पाऊँ तो मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। पूरे 10 दिन यह हुआ कि वो जरूर उठा, लेकिन उससे पहले मैं उठ के अपना काम कर रहा होता था, तो एहतियातन मैंने। लेकिन बाद में जब हम घूमने जा रहे होते थे गाड़ी में, कभी अबू धाबी कभी इधर उधर, तो उसने नोटिस किया या हमारे बच्चों ने नोटिस किया कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ को, घूमने फिरने को, खाने को, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो अभी अबू धाबी से जब हम दुबई वापस आ रहे थे, वहां पे इन लोगों ने मुझे घेर लिया, कोई और बात नहीं करी कि अब हमसे आप वादा करिए, आप कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, 5-7 दिन हो गए यहाँ पे और आप तो बस खबरों में डूबे हुए हैं सुबह से लेके, और ब्रेकिंग न्यूज है, कभी ये है कभी ये, लोगों के मैसेजेस आना, उनको शेयर करना, उनको जवाब देना, उससे आपको फुर्सत ही नहीं है, तो यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? तो इन्होंने मुझे मुझे कहा, आधा पौन घंटे तक पूरे रास्ते में घेर लिया सबने, उन्होंने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने, कि हमसे आप वादा करिए अब आप ये काम नहीं करेंगे आगे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा है, अब मुझे 1,000 दिन पूरे करने थे। मैंने अपने जहन में था कि कम से कम 1,000 दिन मैं पूरे करूँ, ये करने दो। उन्होंने कहा ठीक है करने दीजिए। तो मैंने फिर ये तय कर लिया था कि मैं 1,000 दिन के बाद इसमें ब्रेक लूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं अगर आगे करूंगा तो अकेला नहीं करूंगा, टीम के साथ करूंगा। हाँ, लोग आएंगे तो टीम के साथ। फिर जब मैं यहाँ इंडिया आके 16 दिसंबर को मैं एडमिट हुआ अपोलो में, उस पर जरूरी आया, डॉक्टर ने बोला, फैमिली ने भी, कुछ करीबी दोस्तों ने भी, कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये मतलब यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ, ये क्या कर रहे हो, ये कैसा जुनून है, ये कैसा पैशन है, ये क्या क्या है, ये जिंदगी से बढ़ के तो नहीं है, कुछ शेयर से बढ़ के तो नहीं है। तो मैंने 16 दिसंबर से लेके, हालांकि मैं करता रहा बराबर आते ही 6 दिन के गैप के बाद, लेकिन मुस्तकिल मेरे जहन में चलता रहा अब तक इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब मार्च में मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, कि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, चाहे
कितना ही नाम हो, चाहे कितनी शोहरत हो जाए, चाहे कितने कुछ आ जाए, अगर सेहत अच्छी है तब तो आप एंजॉय करते हैं। हमने बचपन से सुनते आए तंदुरुस्ती हजार नेमत है, वो सिर्फ किताबी हमें लगती थी कि किताबी बात है, लोग बड़ों ने हमें कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इन कुछ महीनों में देखा कि वाकई तंदुरुस्ती हजार नेमत है और सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही आप समाज के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो अब मेरा फोकस सेहत पे ज्यादा है, क्योंकि 2020 वैसे भी कोरोना के टाइम में सेहत और जिंदगी बचाने का टाइम का साल है, तो ये साल मेरा फोकस इस पे है कि सेहत बची रहे, जिंदगी बची रहे, उसके बाद मौका होगा तो समाज के लिए। वो जज्बा खत्म नहीं हुआ, पैशन में ब्रेक लगाए मेरे, लेकिन जज्बे पे ब्रेक नहीं लगाया, ना कभी लगेगा। मैं करूंगा काम, लेकिन एक टीम के साथ करूंगा, और ताकि लंबे टाइम, हाँ मैं ये कोशिश है कि अगर ये मेरा जो एफर्ट है, मेरी इनिशिएटिव है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो जाए तो ये बहुत लंबे टाइम तक काम करता है, क्योंकि हमारा अगर डेफिनेटली इंडिविजुअल की लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमने देख लिया इस पीरियड में। तो ये जो मकसद है, एक तो होता है मेरे कोई नीड नहीं, नीड बेस का पे इतने दिन हो गए, 1000 दिन पूरे हो गए, वो तो पूरे हो गए, लेकिन अगर किसी भी मकसद में आपकी जिंदगी तो मकसद में नोबिलिटी आ जाए कि एक नोबल कॉज के लिए हम करना, तो वो फिर लंबे टाइम तक वो चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा इनिशिएटिव है, इस पे लोग आए, सपोर्ट करें, और 1000 दिन तो मैंने करके दिखा दिया सिंगल हैंडेडली और बगैर किसी के सपोर्ट के, इसमें एक पैसा भी इन्वॉल्व नहीं, पहले दिन से आखिरी दिन तक, आज तक भी नहीं इन्वॉल्व कोई एक पैसा नया पैसा। लेकिन अब मैं इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए मैं चाहूंगा, अगर अगर लोगों को लगता है कि ये काम ये यूजफुल नहीं है, तब ये भूल जाए, मैं भी भूल जाऊंगा इसको, लेकिन अगर लगता है कि ये चीज बहुत ही यूजफुल है लोगों के लिए, मुल्क कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत यूजफुल है, तो फिर लोग आगे आए, इसको सपोर्ट करें इस कॉज को, और एक इंस्टीट्यूशन बनाने की वो करें, अपने हाथों में रखें, इंस्टीट्यूशन का पूरा मुझे ना दें, मुझसे काम लें और मैं उनके साथ काम करूंगा। आप फिर गंज टूटवारा गए और उस पहाड़ का क्या हुआ जो आप वहां से अपने वो सर पे लेके चले थे? मैंने बहुत जल्दी, गंज टूटवारा में अब आपकी क्या पहचान बनी है? वहाँ लोग बहुत चाहते हैं, फैमिली है, रिश्तेदार है, सब बहुत चाहते हैं, वालदेन की दुआएं हैं बहुत ज्यादा, वो तो रोज आते हैं आंसुओं से जब मुझे देखते हैं, सभी इतना अप्रिशिएशन, इतना प्यार, तो वालिद साहब की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। दिल्ली में भी जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, तो मुस्तकिल वो रोते ही रहे, आंखों में आंसू उनके रहे जाए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था जब मैं वालिद साहब को स्टेज तक लेके गया, अपने वहां पे फेलिसिटेशन में, मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। और वो जब अचानक मैं सबको वेलकम कर रहा था, सारे लोगों को फंक्शन में, तो मेरे अचानक मेरे गले लग गए वो आके ऐसे, और वो फोटोग्राफर ने तस्वीर खींच ली, वो तस्वीर सैकड़ों तस्वीरों में भारी पड़ गई। वो मेरे लिए सबसे बड़ी तस्वीर थी यार। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि वालदेन की दुआएं हैं, लोगों की दुआएं हैं, और सारे लोग हैं। शायद दिसंबर में मेरे साथ जो हुआ, जो मैं हॉस्पिटल पहुंच पाया टाइम पे, तो शायद लोगों की दुआएं थी, इसी वजह से मुझे दुआओं ने बचाया, और आगे भी जो है दुआएं मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है। और वहां से मैं फ्री हो गया था, उस पहाड़ की जो आपने बात की, वो मैंने एड एजेंसी बनाई, उसके बाद कई किताबें छापी। 1991 में गल्फ वार का पीरियड था, तब वो किताब एक छापी उर्दू में, और उसके बाद एक नॉस्ट्रेडेमस की पेशेंगोइयां जो थी वो किताब छापी, वो बेस्ट सेलर थी। उससे जो भी इनकम हुई वो मैंने सब वहाँ पे बैंकों का जो भी ड्यूज थे वो सब उतारे, और 91 में ऑलमोस्ट मैं उस से फ्री हो गया था उस चीज से, उस जिम्मेदारी से, बाकी जिम्मेदारियां निभाता रहा बाद में। तो वो भी एक तो सेटिस्फेक्शन। भाग आखिरी सवाल आपसे, जी सर, आप अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं और कितने चैलेंजेस आप अपने सामने और सोचते हैं कि अभी खड़े हैं मेरे सामने? मैं ओवरऑल अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है, और ख़ास तौर से इन 3 सालों में, इन 1000 दिनों के पीरियड में इतना मिला है जो मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, इतना मिला है। और इसको तो मैं संभाल के कभी बुढ़ापे में ना ये पढ़ता रहूंगा, तो बहुत साल तो मेरे इसी में कट जाएंगे, जो लोगों का अप्रिशिएशन है
तो मैं ये पढ़ता रहूंगा, ये मेरे लिए असासा है, असेट से असेट है, लोगों का प्यार। और तीन तरह के सेटिस्फेक्शन होते हैं लाइफ में सर, कि आपका पर्सनल लाइफ कैसी है, प्रोफेशनल लाइफ में आप कितने मुतमईन हैं, आपके पास लाइबिलिटीज हैं या असेट्स हैं, और समाज में आपको लोग किस नज़र से देखते हैं। तो जाती जिंदगी मेरी बहुत अच्छी है, ऊपर वाले का करम है, मुझे 22 साल हो गए शादी को। हमें नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी के टेंशन क्या होते हैं, हमें नहीं पता। तो यहाँ मैं बहुत पूरी तरह से मुतमईन हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया हो या बहुत करोड़ों में खेल रहा हूँ, लेकिन जितना है मेरे जरूरत से ज़्यादा है और ऊपर वाले का कारण है, और मेरे ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है और मेरे जरूरत से ज़्यादा है, मेरे पास कम नहीं। इसके अलावा समाज में आइए, तो समाज में लोग जो प्यार करते हैं वो आपके सामने है, जो लोग पहले भी करते थे, लेकिन इस पीरियड में पहले लोग हाथ मिलाते थे, अब लोग गले मिलते हैं। ये फर्क मैंने देखा है, बड़े जोश से गले लगते हैं क्या। तो कहते साहब, मैंने कहता हूँ कई बार जाते साहब मेरे लिए दुआएं दुआ में याद रखिएगा, वो कहते हैं साहब आप हमें दुआ में याद रखिएगा, आपके साथ तो हजारों लोगों की दुआएं। बहुत खूब। तो इस प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत चाहते हैं। और आपने देखा, जर्नलिस्ट ऑफ इज ऑन राइट, जिस तरीके से शफीकुल हसन साहब ने अपने को इस्टैब्लिश किया, लाखों की भीड़ के बीच में एक आदमी निकला और उसने एक अनूठा काम किया इस मुल्क में, जो इस समय कोई दूसरा कर नहीं रहा है। और कभी कभी होता है ना, लोग दूसरे को देख करके उस काम को शुरू करते हैं, कंपटीशन में शुरू करते हैं या फेम के लिए शुरू करते हैं, किसी ने वो भी हिम्मत नहीं की। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो शफीकुल हसन साहब कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, उस जज्बे को सलाम करना चाहिए। और इन्होंने जो अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको अब मैं इंस्टीट्यूशन के रूप में बदलते देखना चाहता हूं या बदलना चाहता हूं, और मैं उसमें जितनी इनकी ताकत होगी उसमें वो साथ देंगे। और सचमुच जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं देश और दुनिया के, मुझे लगता है कि उनमें से कई सारे लोग शफीकुल साहब के इस ख्वाहिश के साथ खड़े होंगे और कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिससे ये नेक काम या बहुत इम्पोर्टेंट काम, जो जर्नलिज्म का एक ऐसा हिस्सा है जो लोगों को रोज एक नया अखबार देता है पढ़ने के लिए, जिसमें फेक न्यूज लगभग नहीं के बराबर होती है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बांटे, अपनी ख्वाहिशें बांटी, अपनी तकलीफें बांटी, बिना कहे हुए कि मेरी तकलीफ है। लेकिन एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि तंदुरुस्ती हजार बिल्कुल, तो वो जो चीज आपने कही वो आपकी ख्वाहिश और तकलीफ और इच्छा सबको मिला जुला करके वो सेंटेंस है। तो इस प्रोग्राम को फिनिश करते हैं और मेरा ख्याल है कि आपकी जो ख्वाहिश है अपने इस काम को इंस्टीट्यूशन में तब्दील करने की, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। और हम सब लोग जिनके संपर्क हैं चारों तरफ, हम सब आपके साथ खड़े हों इस ख्वाहिश के साथ, आपको थैंक्स देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस काम के लिए जो आप अनूठे ढंग से हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत आपसे शुक्रिया इजाजत चाहते हैं प्रोग्राम फिनिश करने की। सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर।